आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि आइस हैज फॉर्मड अ शैलो पॉन्ड एंड अ स्टेडी स्टेट हैज बीन रीच्ड। द एयर अबव द आइस इज एट -5°C एंड द बॉटम ऑफ द पॉन्ड इज एट 4°C। इफ द टुडे टोटल डेप्थ ऑफ द आइस इज 2 meter, हाउ थिक इज द आइस। तो हमें थिकनेस निकालनी है आइस की, और थर्मल कंडक्टिविटी हमें आइस और वाटर की गिवन है 0.4 और 0.12 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे अब क्या दे रखा है, अगर ये हमारा जो है ये आइस का बॉक्स बन गया और इसके नीचे क्या है, पूरा वाटर है, तो हमें जो टोटल थिकनेस थिकनेस दे रखी है आइस और वाटर की, वो दे रखी है 2 meter। और अगर हम थिकनेस ले लें, लेट थिकनेस ऑफ आइस बी एक्स, जो हमें निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हाउ थिक इज द आइस, मतलब हमें इस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर ये एक्स है तो ये जो नीचे का बच गया ये पॉइंट हो जाएगा 2 - x meter। और अब हमें थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, मतलब के ऑफ वाटर दे रखा है 0.4 और के ऑफ आइस दे रखा है 0.12। अब दे रखा है कि जो आइस के अबव है इसकी वैल्यू -5°C और आइस के बिलो जो टेम्परेचर है वो है 4°C, और जो ये बीच का पॉइंट है जहाँ पे वाटर और आइस जो मिल रहे हैं दैट इज 0°C। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, जो ये वाला पॉइंट है इस पॉइंट को बोलेंगे स्टेडी स्टेट। तो अब इस पॉइंट पे क्या होगा, जितनी हीट वाटर से जो आइस में जाएगी उतनी ही यहाँ से बाहर निकलेगी, मतलब जितनी हीट अंदर जा रही है उतनी हीट जो है वो बाहर निकलेगी। तो अब हमें निकालना है कि थिकनेस कितनी है, मतलब इस एक्स की वैल्यू कितनी है। तो इसका फॉर्मूला होता है थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ वाटर इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर ग्रेडियंट डिवाइडेड बाय जो थिकनेस है दैट इज 2 - x। वाटर की ये इक्वल होनी चाहिए आइस के, तो के ऑफ आइस इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर डिवाइडेड बाय इसकी थिकनेस है एक्स। तो अब यहाँ से एरिया से तो एरिया कैंसिल हो जाएगा, और के डब्ल्यू की वैल्यू हमें गिवन है 0.4 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू यहाँ पे गिवन है हमें 4 इक्वल्स टू के ऑफ आइस गिवन है हमें, यहाँ पे ये अपोजिट हो गया, के ऑफ जो वाटर था 0.4 और वाटर का है 0.12। तो यहाँ पे पुट करेंगे 0.12 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 - x इज इक्वल्स टू के ऑफ आइस है 0.4 इंटू टेम्परेचर दे रखा है 4 डिवाइडेड बाय x। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.48x इक्वल्स टू 4 - 2x, तो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1.61 meter। तो यही हमसे पूछा गया था कि कितनी थिकनेस है, तो थिकनेस ऑफ द आइस आ जाएगा 1.61 meter। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।